टुडे इज बिग बिग ब्रेकिंग न्यूज। यस गाइस, बिलीव मी, सारा माशाल्लाह आज बहुत अच्छी, बहुत प्यारी लग रही थी। बहुत दिनों के बाद वो रेडी हुई, अपने उन्होंने आईब्रो बनाई, उसको कैसे फिल किया उन्होंने पूरी डिटेल से हमें बताया और दिखाया। और वो कह रही थी कि बहुत जल्द मैं अपना मेकअप भी आप लोग कहेंगे तो वो भी मैं आप लोगों के साथ जैसे वो पहले शेयर किया करती थी, दिखाती थी, उसी तरह वो दोबारा में भी वो शेयर करना शुरू कर दे। उसके बाद आयत आती है। आयत ने जी बहुत अपनी मामा को आज तंग किया, कभी वो यहां भागती थी, कभी यहां भागती थी। और जी फिर उसकी मामा ने उसको रेडी भी किया, और उसके बाद जी उसके कपड़े बहुत प्यारे थे वो शो कराए गए। इसके साथ साथ अपने दूसरे बच्चों के कपड़े शो कराए गए। उसके साथ साथ जी बर्थडे पे जाना था सितारा ने, और जो था बाबर वो बहुत हैप्पी था क्योंकि उसके बेटे की थी बर्थडे, तो इसलिए सब बहुत खुशी खुशी जो गए। और सितारा ने जो कपड़े पहने हुए थे वो भी उसने शो कराए कि बहुत प्यारे उसने कपड़े पहने हुए थे। दोनों माँ बेटी ने सेम जूतियां पहनी हुई थी अपना, वो भी उन्होंने हमें शो कराया। उसके साथ साथ जी फिर सारी पूरी फैमिली गाड़ी में बैठे रस्ते में गए, रस्ते में उन्होंने गिफ्ट नहीं खरीदा हुआ था तो फिर वो गिफ्ट शॉप में घुसे, गिफ्ट शॉप में गए, वहां से कुछ उन्होंने चीजें वीजें बाय की, सब बच्चों ने अपनी ली, सितारा ने अपनी ली, उन्होंने शर्टे वटे कुछ लिया और वो उनको जाके अंदर दिया। आगे बिग ब्रेक न्यूज ये था कि जब वो अंदर गए तो अंदर जी सब पूरी ऑल फैमिली अंदर मौजूद थी, वो लोग सब बैठे हुए थे, उसके अंदर नैना भी थी। नैना से ही दुआ सलाम हुई, नैना की अम्मी से भी दुआ सलाम हुई। वो लोग सब एक साइड पे बैठे हुए थे और सितारा लोग जो थे वो एक साइड पे बैठे हुए थे, और जो साजिद था वो मैन की लाइन में जो थे वो दूसरी साइड पे वो लोग बैठे हुए थे। तो बहुत अच्छा लगा। बेशक सबने एक दूसरे के साथ इतनी चिक चैक बात वगैरह नहीं की, लेकिन जी सब एक जगह पे मौजूद थे, एक कमरे के नीचे मौजूद थे जहां पर उन्होंने केक काटा। केक बहुत अच्छा था, बच्चे बहुत हैप्पी हुए, बलून के साथ पिक्चरें खींची गई। उसके बाद सितारा भी बहुत माशाल्लाह हैप्पी थी। मतलब अच्छा लग रहा था कि सब मिलकर जो है एक साथ एक जगह पे इकट्ठे हुए हैं, बेशक थोड़ी देर के लिए हुए लेकिन हुए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। हम लोग शुरू से ही कह रहे हैं कि सबको एक खानदान है, सबको एक साथ रहना चाहिए और सबको में मिला के अपने व्लॉगिंग करने चाहिए, एक दूसरे की खुशियों में शामिल होना चाहिए, जिस तरह ये लोग सब जो थे वो खुशियों में शामिल हुए, सब आए। उसके साथ साथ जब केक कट गया उसके बाद ये लोग सब आउटसाइड जाके बैठे, आउटसाइड उन्होंने भी खाना वाना खाया और सबने वहां पे भी सितारा ने दिखाया। फिर उसके बाद सबने अल्लाह हाफिज किया, अल्लाह हाफिज करके सब जो है फिर वो अपने घर वापस आ गए। फिर एक और सैड ब्रेकिंग न्यूज थी कि सितारा को चाय पीनी थी लेकिन गैस जा चुकी थी, गैस रात उनके पास नहीं आती है। ओ ओ ओ आई एम सो मच सैड सितारा, रात की चाय जो थी, मैं तो ग्रीन टी पीती हूँ लेकिन जो सितारा है वो चाय पीती है। चले कोई बात ही, दुआ करते हैं कि पाकिस्तान में भी गैस जो है रात के टाइम पे भी आ जाया करें। आगे सर्दी आ रही, जैसे सितारा ने भी कहा तो है कि वो बंदे का दिल करता है तो वो चाय बना के पी सकते हैं। तो भाई आज का जो उनका व्लॉग था बहुत मजे का था, बिग बिग ब्रेकिंग न्यूज जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, बहुत सारा बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी दुआएं कि सितारा हमेशा अपनी फैमिली के साथ खुश रहे और उनके बच्चे खुश रहे और हैप्पी हैप्पी रहे। आएंगे जी बिग बिग ब्रेकिंग न्यूज के साथ के नेक्स्ट ब्रेकिंग न्यूज किसकी है, कौन यूट्यूबर है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, सब चीजें आपके साथ जैक्या कुन के चैनल पे शेयर होती हैं। अपने स्टाइल से हम आपको बताते हैं कौन सा यूट्यूबर कैसा है कैसा नहीं, लेकिन यही दुआ करते हैं हर कोई हैप्पी रहे, खुश रहे अपने बच्चों के साथ और अपनी जिंदगी हैप्पी हैप्पी गुजारे। आमीन सुम आमीन। ठीक है, अल्लाह हाफिज एंड बाय गाइज़।